सिक्स आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। इसमें बोला गया है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस गिव रीज़न। तो हमें रीज़न देना है, ये मीनिंगलेस है, आप ये नहीं कर सकते हो, एल एल नहीं लिख सकते रोमन नंबर में, क्यों नहीं लिख सकते, आपको रीज़न देना है। ठीक है, तो शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, इसका आपका आंसर दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में ये बोला है एल एल एक साथ नहीं आ सकता, दे कैन नॉट कम टुगेदर वन बाई वन लगातार। ठीक है ना, वाई, क्योंकि यहाँ पे सीधा रोमन नंबर में ये रूल है, एक्स के अलावा कोई नहीं आ सकता है, एल नहीं आ सकता है, एल कैन नॉट कम टुगेदर, एल इज नेवर रिपीटेड, एल को रिपीट नहीं कर सकते आप, एल इज नॉट रिपीटेड, रिपीट नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, रिपीट तो लगातार आप नहीं लिख सकते हो, एक्स को लिख सकते हो लेकिन एल को नहीं या वी को नहीं लिख सकते हो। ठीक है ना, ये छोटे छोटे इन कुछ चीज़ों में अलाउ नहीं है। जैसे डी भी देखो, सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, डी डी दो बार आ गया, इसमें गलती है, डी डी रिपीट नहीं हो सकता है, आई रिपीट कर सकते हैं अलाउ है, ये आई आई रिपीट हो सकता है लेकिन डी नहीं हो सकती, ये दोनों रिपीट नहीं हो सकते, जैसे ये दोनों रिपीट नहीं हुआ एल में। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही लिख देंगे, डी कैन नॉट बी रिपीटेड, डी इज़ नेवर रिपीटेड, डी इज Not repeated, never repeated लिख दो, never repeated, repeat नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से आप लिखते हैं, यहाँ पे not के जगह में आप never भी लिख सकते हो। ठीक है ना, never repeated। नेवर रिपीटेड, ठीक है, इस तरह से करना है, एल इज़ नेवर रिपीटेड लिख दो, डी इज़ नेवर रिपीटेड, ये रिपीट नहीं होते हैं। अब मैं भी आगे चलता हूँ थर्ड पॉइंट पे, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या ख्याल रखना है आपको, थर्ड में बोला है वी सी, देखो सी स्टैंड फॉर 100, वी स्टैंड फॉर 5, तो 5 को ये पावर नहीं दिया गया कि वो किसी बड़े नंबर से पहले आ जाए। ठीक है ना, ओनली एक्स आ सकता है, ठीक है, एक्स आ सकता है, ठीक है, एक्स स्टैंड्स फॉर 10, नॉट वी, वी को अलाउड नहीं है, मैक्सिमम एक्स को दिया गया कुछ पावर, स्पेशल पावर्स, वी कैन नॉट कम बिफोर ए सिंबल व्हिच इज़ ग्रेटर इन वैल्यू, यही लिख देंगे आप, वी कैन नॉट कम बिफोर ए सिंबल ऑफ लार्ज वैल्यू, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है ना, उसके पहले नहीं आ सकता है, तो ये आप लिख के छोड़ दें। उसी तरह से फोर्थ में देखें, फोर्थ में ये बोला गया है, फोर्थ वी वी आई, वी रिपीट नहीं कर सकते, वही सेम आ गया, वी कैन नॉट वी नेवर वी इज़ नेवर रिपीटेड, वी इज़ नेवर रिपीटेड लिख देंगे आप, रिपीट नहीं कर सकते इसे आप, एक्स को रिपीट कर सकते हो, वी को रिपीट नहीं कर सकते, याद रखना, वी इज नेवर रिपीटेड। आगे चलते हैं, इसमें यही कमी थी। लास्ट क्वेश्चन में क्या कमी है मैं बता देता हूँ, फिफ्थ में वी आई आई, यहाँ तक तो ठीक है एक्स, अब ये है ना वी, ये है 7, वी आई आई दोनों 3,07, तो एक्स से पहले नहीं आ सकता, ये पूरे मिला के जो इसकी वैल्यू एक्स से छोटी होगी, तो एक्स से पहले इससे छोटा नंबर वी नहीं आ सकता है। ठीक है ना, तो वी आई आई जो है ना, ये कैन नॉट कम बिफोर ए नंबर ग्रेटर देन इट्स वैल्यू, कैन नॉट कम बिफोर ए सिंबल, सिंबल कौन है, एक्स है, हाँ, ग्रेटर देन इट्स वैल्यू, जो उससे बड़ी है, उसके उससे बड़ी है, ग्रेटर ग्रेटर इन वैल्यू, इतना लिख दो, ठीक है, बहुत है, ग्रेटर इन वैल्यू, जो उससे बड़ी हो, ठीक है, इतना लिख देंगे, तो बड़े जिसकी वैल्यू ज़्यादा उससे पहले नहीं आ सकती है, तो
तो बड़े वैल्यू जो एक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो वी आया सेवन है, उसकी वैल्यू सेवन होती है, तो सेवन टेन से पहले नहीं लिखा जाता रोमन नंबर में, सिंबल ऐसे सिंबल नहीं लिखते हैं, मना है, अलाउड नहीं है, सिर्फ एक्स को अलाउड है, स्पेशल केस है, ठीक है। सर ऐसे क्वेश्चन फोर्थ चलते हैं, समझ में आ जाएगा, ये आप याद कर लेंगे। फोर्थ में चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ में देखेंगे क्या बोला गया। फर्स्ट देख लें, यहाँ पर देखो एक्स ही लिखा हुआ है, एक्स ही, तो ये अलाउड है, एक्स पहले आ सकता है, एक्स की वैल्यू टेन होती है, अस्सी की वैल्यू हंड्रेड होती है, तो यहाँ पर अलाउड है। खैर यहाँ पे हमारा कुछ दूसरा काम है। अब इसमें इसका मीनिंग दिया गया कि x पहले आ गया तो x माइनस होगा c से, यानी कि 100 से माइनस होगा x, जिसकी जो 10 है इसकी वैल्यू होगी 90। यहाँ पे 90 मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे l x x i v, l का मतलब 50, अगर 10 जोड़ देंगे तो 60 हो गया, और ये 10 जोड़ेंगे तो 70 हो गया, 74, ठीक है ना, 74 इसकी वैल्यू है। अब बड़ा कोने पता चल गया आपको x ही बड़ा है, यानी कि 90 उसकी वैल्यू है, और ये 74 है, तो ठीक है ना, ये साइन लग जाएगा आपका। इस तरह से हमको करना है, ठीक है। अब बाकी देखते हैं, आपको मैं बताते रहूँगा। सेकेंड पार्ट में चलते हैं, सेवेंटी सिक्स है यहाँ पे, दूसरी तरफ क्या है, एल एक्स एक्स वी आई, ये क्या है, एल फॉर 50, एक्स जोड़ देंगे तो 60, और एक्स जोड़ेंगे तो 70, और ये 6 है, ये भी 76 हो गया, तो दोनों इक्वल हो गया, इक्वल साइन लगा दें यहाँ पे, ओके, पुट इक्वल साइन इन द बॉक्स। नेक्स्ट थर्ड में चलते हैं, मूव टू थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड। एल एक्स 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 वी, ये बॉक्स है, इसमें सी और वी है, ठीक है। अब देखते हैं, एल फॉर 50, एक्स फॉर 10, 60 हो गया, 50 प्लस 10 60, 60 ये 70, और ये 80, और ये 85 को रिप्रेजेंट करता है ये। यहाँ पे देखते हैं सी फॉर 100, और ये 5, 105, 105 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, 105 बड़ा कौन हो गया, सी भी बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये साइन लग जाएगा बेटा, ठीक है, इस बॉक्स में। तो आगे चलते हैं फोर्थ में, इस तरह से करना है आपको। फोर्थ में 44 है, बॉक्स एक्स एल आई आई एक्स एल, एल 50 होता है, एक्स पहले आ गया, मतलब 50 से पहले एक्स आ गया, मीन्स माइनस होगा, 50 से 10 माइनस करता तो 40, ये 40 को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एल 42, ठीक है, ये 42 हो गया। x इज अलाउड बेटा, x वैल्यू 10 है, l की वैल्यू 50 है, तो x पहले आ सकता है, x को स्पेशल पावर है रोमन नंबर में, ठीक है ना, x की ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, xl की वैल्यू 40 हो जाएगी, और ये 42 वैल्यू है, तो ये बड़ा कौन है पता चल गया आपको, 44 बड़ा है, तो ये साइन लगा देंगे आप, 44 इज ग्रेटर देन 42, ठीक है। अब फिफ्थ में चलेंगे, फिफ्थ में एल एक्स वी और एक्स सी है, ठीक है, तो देखते हैं एल एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 60, और ये 5 है, तो ये हो गया एल की वैल्यू 50 प्लस 10 60 हो गया, 65, तो 65 लिख देंगे, और ये है सी, सी 100 है, और से पहले 10 आ गया, तो मैं 90 में 100 में से 10 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 90 है, 90 को रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली एक्स सी बड़ा हो गया, ये साइन लगा देंगे। फिर आगे चलते हैं, इसके बाद सिक्स लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक्स 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 आई रोमन नंबर में ध्यान रखेंगे, आइए 29 है। अब ये क्या देखते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 30 हो गया, और ये 1 आई मिस 1, ये हो गया 31, तो बड़ा कौन है पता चलिए आपको, ये बड़ा है, लेफ्ट साइड बड़ा है, 29 छोटा है, तो ये साइन लगा देंगे आप, ठीक है, इस तरह से करना है, ये करना था, ठीक है। आप आज के लिए रोमन नंबर कर लें, नेक्स्ट टॉपिक जो हम बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, आज के लिए इतना ही कर लें।